गैलरी से फोटो डिलीट नहीं हो रहे हैं, जब भी आप गैलरी से किसी फोटो को डिलीट करते हैं बट वहाँ पे कोई एरर आपको देखने को मिल जाता है, फोटो डिलीट नहीं हो रहा है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि आपका जो फोटो है वो इजीली डिलीट हो सके। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बहुत आसान सी और छोटी सी एक ट्रिक है, आपको किसी भी मोबाइल में, चाहे आपके पास कोई सा मोबाइल हो, सब में मैन सेटिंग्स को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे ऐप्स या फिर ऐप्स मैनेजर करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद आपको ऐप मैनेजमेंट के अंदर चले जाना है, यहाँ पे आपको सारी ऐप्स दिखाई दे जाएंगी। तो सिंपली यहाँ पे आपको फोटोज लिख के सर्च करना है, ठीक है। फोटोज लिख के आप सर्च करेंगे तो दो फोटो के ऐप्स आपको दिख जाएंगे। तो पहले आपको गूगल फोटोज वाले पहले वाले पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे आपको फोर्स स्टॉप करना है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, जो भी सेटिंग्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ उनको करने से आपको किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही आपका कोई डाटा डिलीट होगा, आप बेहिचक इन्हें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फोर्स स्टॉप करना है, उसके बाद स्टोरेज यूजेज पे आना है एंड यहाँ पे क्लियर कैच करना है, मैनेज स्पेस को नहीं छेड़ना। उसके बाद बैक करना है, सारे परमिशंस यहाँ पे चेक करके आपको अलाउ करनी है, कुछ भी जो है यहाँ पे नॉट अलाउड में नहीं छोड़ना, ठीक है। इस तरीके से आप सब कुछ अलाउ कर देंगे। उसके बाद यहाँ से बैक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा डाटा यूजेज, डाटा यूजेज पे आना है और यहाँ पे बैकग्राउंड डाटा को आपको अनेबल रखना है और बाकी के दो ऑप्शन ऑफ ही रहने देने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी सेटिंग्स कंप्लीट हुई, एक बार बाहर निकलना है और आपके सेकंड वाला ऑप्शन है फोटोज, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी इसे आप फोर्स स्टॉप कर देंगे। देन यहाँ पे परमिशंस को चेक करके सारी परमिशंस आपको अलाउ कर देनी है, उसके बाद बैक करना है एंड डाटा यूजेज पे आना है और बैकग्राउंड डाटा को अनेबल कर देना है। उसके बाद बैक करें एंड यहाँ पे आपको स्टोरेज यूजेज पे आना है और यहाँ पे क्लियर कैच करना है, ध्यान रहे क्लियर डेटा नहीं छेड़ना है। उसके बाद बैक करें और यहाँ पे अब आपकी जो सेटिंग्स है कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको एक बार जो है प्ले स्टोर ओपन करना है अपने मोबाइल में, ठीक है। प्ले स्टोर ओपन कर दिया, तो यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया और यहाँ पे आपको फोटोज लिख के सर्च करना है, ठीक है। फोटोज लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे गूगल फोटोज का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है और अगर अपडेट आ रखा होगा इस तरीके से तो अपडेट भी कर देना है। इतना करने के बाद मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करें, ऐसे रिस्टार्ट करें और वापस में फ़ोटो आप इजीली डिलीट कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगी।